आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इस समय की सबसे ज़्यादा जरूरी जानकारी लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। काफ़ी लोग वीडियो को बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं, तो मेरी आज उनसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए आज की जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन में टाइम तो लगा है, लेकिन ये आपके लिए भी फायदे वाली बात है आगे चल के। लेकिन इस समय हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लोग डराने की तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और हमारे किसान भाइयों की समझ में नहीं आ रहा आखिर हम क्या करें, इस समय आलू का होगा क्या, आलू का रेट भी वही बना हुआ है, आलू में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, आलू बहुत है या ज़्यादा है, कैसा है, और काफ़ी लोग इस समय अफवाह भी फैला रहे हैं। तो इस बीच में हमारे किसान भाइयों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 2021 से कंपेयर करूंगा, जो कि 2021 को काफ़ी लोग बुरा ही मान रहे थे कि 2021 में आलू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। अब उससे ही हम कंपेयर करेंगे 2023 का, और विद प्रूफ के साथ, हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं। जब हमने खोजबीन करी है और अपनी पुरानी पर्चियों को निकाला है, तब हमें पता पड़ी है कि ये तो 2021 और 2023 में तो बहुत बड़ा अंतर जा रहा है। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उसके बाद मैं आज के आलू के भाव भी बताऊंगा, और काफ़ी लोग 2021 और 2023 का पूरा कंपेयर करके मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बता दूँ जो लोग ये कहते हैं किसान भाइयों से या और लोगों से कि यूट्यूब वालों की वजह से ये हाल है, तो देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ विद प्रूफ के साथ। 2021 में यानी 2021 में जून के महीने में आलू का भाव था सूर्या का 550 रुपये, 560 रुपये, जो कि 2023 में भाव है 700 रुपये, 750 रुपये तक, 650 से लेकर 750 रुपये तक मान सकते हो। अब किसान भाइयों 3797 का भाव था जून के महीने में 2021 में 450 रुपये, आज की डेट में भाव है 550 से लेकर 600 रुपये के बीच में, लगभग मान सकते हो 500 से लेकर 600 रुपये के बीच में। चिप्सोना का भाव था उस समय 450 से लेकर 550 रुपये तक, 500 रुपये लास्ट था 2021 में जून के महीने में, लेकिन 2023 में जून के महीने में चिप्सोना का भाव है 550 से लेकर 650 रुपये। और किसान भाइयों अब बात आती है हाईब्रिड आलू की। हाईब्रिड आलू का भाव 300 से लेकर 350 रुपये पैकेट था, बढ़िया क्वालिटी का, 2021 में जून के महीने में, और 2023 में जून के महीने में भाव है 500 रुपये, 450 रुपये, 450 रुपये, मतलब 400 से लेकर 500 रुपये के बीच में। अब ये बताइए 2021 और 2023 में तो कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है, 2021 में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, किसान भी ज़्यादा जागरूक नहीं थे, लेकिन अब 2 सालों में किसान जागरूक हो चुके हैं। उस समय हमारे किसान भाई आलू को काफ़ी लोग तो ज़्यादा बेच रहे, काफ़ी लोग बेच ही नहीं रहे थे, लेकिन आज की डेट में हर किसान 10-20-50 पैकेट बेचना ही चाह रहे हैं, कहने का मतलब कुछ ना कुछ 1-2% वो आलू निकालना चाह रहे हैं, और यही चीज़ उनको आगे लेके जा रही है और आगे लेके जाएगी। और हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि किसान भाइयों को पैसा मिले। अब ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बताई है जो यूट्यूब वालों के लिए कहते हैं यूट्यूब वालों से क्या हो रहा है, तो भैया 2021 और 2023 में अंतर देख लो, बहुत कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2021 में ऐसा क्या हुआ जो कि 2022 में किसान भाइयों ने आलू काफ़ी ज़्यादा किया था। भाइयों देखिए 2021 की एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग जो पुराने आलू के खलीफा हैं उन लोगों को तो इस बारे में पता होगी, लेकिन जो नए नए लोग आए हैं वो वीडियो को पूरा पहले देखें तब समझें। देखिए हर किसी किसान को पता है इस बारे में, 18 अक्टूबर 2021 को भयंकर बारिश पड़ी थी, जिसकी वजह से आगरा से लेकर बहुत बड़े क्षेत्र में आलू की जो अगेती फसल लगाई थी सब खत्म हो गई थी, या उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, कहने का मतलब ये है। और ज़्यादातर सभी किसान भाइयों ने 15 अक्टूबर तक अपना आलू बहुत बेच दिया था, बहुत ज़्यादा आलू बेच दिया था। हाइब्रिड वाले किसान तो कोल्डों में आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि हाइब्रिड का आलू 200 से 250 रुपये पैकेट चल रहा था VIP क्वालिटी का, और गुल्ला और किरनी तो फिक रहे थे, बिक भी नहीं रहे थे 2021 में 12-13 अक्टूबर तक। लेकिन 17-18 अक्टूबर की अचानक भयंकर बारिश पड़ने से और लगभग 22-25 तारीख को, मतलब 25-26 अक्टूबर को आलू का रेट डबल होने लग गया, मतलब 900 से 1000 रुपये तक पहुंच गया सूर्य आलू का रेट, और देखते ही देखते 25 से 26 अक्टूबर को 1200 से लेकर 1300 रुपये पैकेट हो गया। उस समय किसान भाइयों मैंने सूर्य आलू के भी कुछ नए बीज के पैकेट लिए थे 1350 रुपये पैकेट में, और मेरा सूर्य आलू भी जो 50-60 पैकेट बचा था वो भी बिका था 1250-1300 रुपये पैकेट में। ये मुझे अभी तक ध्यान है विद प्रूफ के साथ। जो लोग इस वीडियो से या इस बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि इसमें 100% सच्चाई है, इसको कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अब 2021 में ये सब कुछ हुआ था, और हाईब्रिड वाले किसान जो आलू के लिए कोल्डों में जा नहीं रहे थे वो तुरंत अचानक आए, और उनका हाईब्रिड आलू भी 600 रुपये, 650 रुपये तक बिक रहा था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी लोगों का जो बीज था
यानी आलू की जो बुवाई है कहीं कम हुई कहीं ज़्यादा हुई, आलू का जो बीज था वो भी महंगा हो गया था 2021 में, मतलब 2021 के लास्ट में। तो कहने का मतलब ये है फिर 2022 में क्या है कि बंगाल टूटा आलू को देखते हुए कि इस बार तो और ज़्यादा महंगाई रहेगी, क्योंकि 2021 के लास्ट में बहुत भयंकर महंगाई आई थी, तो उन्होंने सोचा कि 2022 में भी बहुत भयंकर महंगाई रहेगी, तो इस वजह से वो बंगाल के लोग यहाँ पर टूटे, यहाँ से आलू खरीद के ले गए और कहीं पर यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ था 2022 में भी। अब किसान भाई 2022 का तो सबने आकलन लगा लिया, अचानक 2023 में पैदावार तो कम थी लेकिन क्षेत्रफल का कोई भी आकलन नहीं लगा पाया, और यही सबसे बड़ी दुखद स्थिति रही जो हाईब्रिड मतलब क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा आलू था। कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्रफल के लोग अब निकल के आ रहे हैं जहाँ पर कभी हमने आलू देखा ही नहीं। सिकंदर राव की कुछ जगह गांव ऐसे हैं जहाँ पर कभी आलू नहीं होता था, आज की डेट में वहाँ पर 1000-1200 बीघे आलू हो रहा है लगभग 2022 से, 2021 की तेजी के बाद लगातार आलू हो रहा है, लगा सकते हो। तो ये जितने रकबा है ना ये सब बढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ये माहौल देखने को मिला था। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, शुरुआत में जो आलू का रेट 400-300 रुपये बिक रहा था, 37-97 का 400-500 रुपये, वो अचानक 800-900-1000 रुपये तक हो गया था, ठीक है, केवल एक बारिश की वजह से, उस समय डिमांड की वजह से, बारिश की वजह से। और देखिए यही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि हमको पूरा आलू अभी भी नहीं बेचना है और ना हमें किसी और महीने में बेचना है, हमें धीरे धीरे ही चलना है। आप हर किसी साल को एक सौ साल मत मान के चलिए, ऊपर वाले के भी हाथ में बहुत कुछ होता है, अगर यहाँ पर काफ़ी भयंकर बारिश पड़ जाती है जुलाई के महीने में, सब कुछ ख़त्म हो जाती है फसल, जैसे हरी सब्जियाँ वगैरह या और भी फसल में नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर आलू का कुछ भी नहीं पता पड़ रही है क्या हो सकता है। तो इस वजह से मैं यही चाहता हूँ कि हर किसान भाइयों को हर महीने के हिसाब से पैसे मिले, कहने का मतलब वो रिस्क होती है, पीछे जाके या तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा या बहुत बड़ा घाटा होगा, ये सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम इस चीज़ को रिस्क लेने वाली बात ही नहीं है हमारे लिए, हम तो हर महीने में आलू बेच के पीछे तक की लड़ाई लड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, देखिए अगर कोई क्रिकेट की अच्छी टीम है, अगर आप उससे मैच खेलोगे तब ज़्यादा पता पड़ेगी कि क्या होने वाला है मैच में, अगर बिना मैच खेले ही एकदम आप हार मान लोगे कि हम नहीं जीत पाएंगे इससे, इसे जीत दे दो टीम को, तो वो कोई बात नहीं रही। तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको पूरी लड़ना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी जल्दी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप कंपेयर करोगे काफ़ी सालों से तो बहुत कुछ अलग साल है, और यहाँ पे 2021 में एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, 2021 में बंगाल में 14.5 करोड़ पैकेट थे, जो कि 2023 में 13.5 करोड़ पैकेट हैं, लमसम 13.61 करोड़ के आसपास पैकेट हैं। तो भाई आप ये देखिए वहाँ पे निकासी भी अच्छी हो रही है, उस साल से काफ़ी आलू कम भी है, तो बहुत कुछ अलग होने वाला है, बस ऊपर वाले पे भी थोड़ा भरोसा रखिए, आगे देखते हैं, काफ़ी अच्छे होने की उम्मीद है। और वैसे तो यही है कि अगर अच्छा भी नहीं होता है, अगर अच्छा भी नहीं होता है तो उसके लिए हम लगातार आलू बेच तो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीज़ों को आप समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए, आप घबराहट में आलू मत बेचना, बाकी आलू आप कैसे भी बेच सकते हो, क्योंकि घबराहट ही बहुत ज़्यादा बुरी होती है, और ये लोग चाह ही रहे हैं कि जैसे ही किसान घबराहट में आलू बेचना शुरू करे मार्केट डाउन आ जाए, क्योंकि हर किसी को पता है एक साथ घबराहट में क्या होता है कि किसान के मैं भी बेचूंगा, अगर 200 सैंपल निकलेंगी तो उसमें से 190 सैंपल बिकेंगी, अब 190 सैंपल बिकेंगी तो उससे व्यापारियों को भी घाटा होता है, उससे फिर मंडियों में भी आवक मतलब इतनी ज़्यादा जाती है कि एकदम गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस बचती हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है हर किसी को। तो हम भी नहीं चाहते हैं किसी व्यापारी को भी नुकसान हो और किसान भाइयों को भी नुकसान हो, कहने का मतलब आज की डेट में जो आलू चल रहा है उसी हिसाब से धीरे धीरे मस्त किसान भाई बेच रहे हैं, और मैं किसान भाइयों के इसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। और देन इस बीच में काफ़ी लोग जो गुमराह कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में हमारे किसान भाई अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, तो इस वजह से उनके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। अगर ये जो जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये कोई हवाई फायर में जानकारी नहीं आई है, पूरी रिसर्च के बाद आई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम भी लगा है हमारे लिए, तो इसके लिए अगर आप एक लाइक करना चाह रहे हो कर सकते हो। और देखिए यहाँ तक अगर आप वीडियो देखने आए हो तो मैं अब आपके लिए आज के आलू के भाव भी बता देता हूँ, लेकिन किसान भाइयों जो मैंने बताया इन बातों पर थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करना, 2021 से कंपेयर करने की कोशिश करना, लेकिन किसी दिन या लाइव में मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पूरा विश्लेषण करने वाला हूँ, आने वाले टाइम में लाइव में पूरा बताऊंगा आपके लिए पूरा बायोडाटा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मतलब क्या हुआ था हर महीने के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी टाइम लग रहा है।
तो हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो किसान भाइयों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चेन्नी मंडी की, चेन्नी मंडी में आज यूपी का आलू 16 से 17 रुपये किलो बिका है, बढ़िया क्वालिटी का 17.5-17.5 रुपये किलो है। और कोलार की बात करें 700 से लेकर 850 रुपये, BIPA तो 900 रुपये। और बेंगलोर की बात कर लेते हैं, बेंगलोर में आलू किसान भाइयों 700 से लेकर 800 रुपये, बढ़िया है तो 850 रुपये आज बिका है। बेंगलोर में जो कोलार का आलू थोड़ा बहुत पहुँच रहा है 1500 पैकेट, वो 900 से लेकर 1100 रुपये पैकेट बिक रहे हैं। अब लोकल आलू जो पहुँच भी रहा है, वैसे तो इसका कोई मायना नहीं है, अब इतना तो हमेशा पहुँचता रहता है, ठीक है, लेकिन 1100 रुपये तक पैकेट वहाँ बिक रहा है कोलार का, तो फिर हमारे लोकल आलू पे यानी आगरा के आलू पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब वहाँ का लोकल आलू ही महंगा है तो आगरा का आलू कैसे सस्ता हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। और इंदौर की बात करें 1000 से लेकर 1050 रुपये तक, बढ़िया क्वालिटी का बेपर पास जाता है वहाँ पर। और जयपुर मंडी की बात करें 44 गाड़ियाँ आज लगभग 10 से लेकर 11 रुपये किलो। गुवाहाटी की बात करें आगरा का 11 से लेकर 15 रुपये किलो, और बढ़िया है BIP तो 15.5 भी बिका है। और बंगाल का बिका है 11 से लेकर 12.5 रुपये किलो, और अलवर मंडी में बिका है 8 से लेकर 10 रुपये किलो, BIPA तो 10.5 रुपये किलो यहाँ पे आज बिका है। नासिक मंडी की बात करें 10 से लेकर 13 रुपये किलो। मुंबई की बात करें यहाँ पे यूपी का जो बिका है आलू 11 से लेकर 13 रुपये किलो, BIPA तो 13.5 रुपये किलो, और ज़्यादा एक्स्ट्रा BIPA तो 14.12 लॉट बिका है। और इंदौर की बात करें 13 से लेकर 15 रुपये किलो, BIPA तो 16। और गुजरात का आलू बिका है मुंबई में 8 से लेकर 11 रुपये किलो। अब किसान भाइयों यहाँ बात करता हूँ आगरा के कोल्डों में आलू जो बिक रहा है वो 500 से लेकर 625 रुपये तक आलू के सौदे हो रहे हैं, और गुल्ला आलू के सौदे हो रहे हैं वहाँ पर 350 से लेकर 450 रुपये आगरा में। अब किसान भाइयों बात करता हूँ यहाँ बाराबंकी में, बाराबंकी में राजेंद्रवन आलू 500 से लेकर 550 रुपये तक के यहाँ पे कोल्डों में सौदा हो रहे हैं, और भाड़ा किसान को ही देना है। बिहार के कोल्डों की बात करूँ, बिहार में जो कोल्ड खुले हैं उनमें सौदा हो रहे हैं 1300 से लेकर 1350 रुपये, सिंदूरी हो या C40 आलू हो। अब यहाँ पर किसान भाइयों दिल्ली की बात कर लेता हूँ, दिल्ली में देखिए कल की 33 गाड़ी जोड़ के 92 गाड़ी हैं टोटल, जिसमें कोल्ड की 60 गाड़ी हैं, LR 6 गाड़ी है, चिप्सोना 17 गाड़ी है, सूर्या 7 गाड़ी है, 2 गाड़ी पंजाब की हैं, टोटल 92 गाड़ी पहुँची है कल की 33 गाड़ी बैलेंस लगा के। यहाँ पर रेट वही है 37.97 से लेकर 580 रुपये तक, हाई ग्रेड 450 से लेकर 500 रुपये तक, सूर्या बिका है अलीगढ़ का 650 से लेकर 750 रुपये, चौरासी वाला 750 से लेकर 850 रुपये, BIPA तो 900 रुपये, चिप्सोना बिका है अलीगढ़ का 550 से लेकर 650 रुपये, और चिप्सोना चौरासी वाला बिका 650 से लेकर 750 रुपये, यही वहाँ पे आलू के आज के भाव हैं। तो भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, वीडियो देखने धन्यवाद, मैं विकास गौड़, नमस्कार।